दिन ब दिन प्रीतम का शरीर और चेहरा लड़कियों जैसा होता जा रहा है। क्या लड़कियों का मेकअप और लड़कियों के कपड़े पहनने वाले लड़के सच में लड़कियों जैसे बन जाते हैं? 85% सोशल मीडिया पर महिलाओं का नियंत्रण है। 100% पुरुष महिलाओं की वीडियो ही देखना पसंद करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल की वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों का सैम क्रॉसड्रेसर चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप क्रॉसड्रेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और क्रॉसड्रेसिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना मिल सके और आप आसानी से हमारे वीडियो देखकर आनंद ले सकें और क्रॉसड्रेसिंग सीख सकें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रीतम के बारे में जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रीतम को कौन नहीं जानता। प्रीतम बॉय तो गर्ल मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पर। साड़ी, ब्लाउज और मेकअप से प्रीतम एक खूबसूरत लड़की बन जाती है। प्रीतम ताहरपुर कोलकाता इंडिया के रहने वाले हैं। प्रीतम की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखते टाइम हमारे दिमाग में एक बात आई। आइए हम प्रीतम की प्रोफाइल देखते रहें, हम आपसे बात करते रहेंगे और कुछ और साझा करेंगे। शायद आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, ये केवल प्रीतम के बारे में ही नहीं है जो हमारे दिमाग में आया है। ये बात उन सभी लड़कों के साथ हुई है जो लड़की बनकर रील बनाते हैं। क्या किसी लड़के के लिए लड़की बनकर वीडियो बनाना उसकी मजबूरी है या सिर्फ उसकी इच्छा? प्रोफाइल देखते ही वो वायरल डायलॉग याद आ गया। भाई, मैंने सुना है कि औरत ही घर को चलाती है। और क्या, घर तो घर, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम को औरतें ना चलाएं तो ये भी ना चले। अपने शुरुआती वीडियो में प्रीतम ने कभी लड़की बनकर पोज नहीं दिया। क्या प्रीतम एक लड़के के रूप में वीडियो बनाते बनाते थक गए थे? जब से प्रीतम लड़की बनकर वीडियो बना रहे हैं तब से इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं और आप खुद देख सकते हैं कि जो भी लड़की इंस्टाग्राम पर आती है उसके फॉलोअर्स और लाइक्स रातों रात बढ़ जाते हैं। निकिता शर्मा के 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सोफिया अंसारी के 9.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, विष्णु प्रिया के 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ईशान्या माहेश्वरी के 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, विभू नेहा के 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, चारू अबोसा के 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इनमें सबसे बड़ा टैलेंट ये है कि ये बेहद खूबसूरत लड़कियां होती हैं, या फिर बेहद खूबसूरत सज धज करती हैं। 85% सोशल मीडिया पर महिलाओं का नियंत्रण है। 100% पुरुष महिलाओं की वीडियो ही देखना पसंद करते हैं। क्या यही वजह है कि कुछ लड़के लड़की बनकर वीडियो बना रहे हैं? पुरुष दर्शक भी लड़के से लड़की बनने की वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। दर्शकों, क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या अब लड़कों को इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पर लड़की बनकर मशहूर होना पड़ेगा? ऐसा सिर्फ प्रीतम के साथ ही नहीं हुआ है। मैं आपको कम से कम 10 लड़कों की इंस्टाग्राम प्रोफाइल बता सकता हूँ। शुरू में लड़के अपनी प्रतिभा से मशहूर होना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब लड़के लड़कियों के कपड़े पहनकर और लड़की बनकर मशहूर हो गए, सब बातों की एक ही बात है कि घर के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी महिलाओं का नियंत्रण है। सोशल मीडिया पर मशहूर होना है तो पुरुषों को महिला बनना होगा। वैसे हमारे चैनल ने पहले ही बता दिया था प्रीतम के बारे में। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डालूंगा। जो भी हो प्रीतम के साथ, चाहे वो प्रीतम की मजबूरी हो या फिर लड़की बनने की चाहत, मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वह बेहद खूबसूरत लड़की बन जाती हैं। देखिए, मेकअप न भी हो तो भी प्रीतम का चेहरा पहले से ही एक लड़की जैसा है, यानी कि प्रीतम का चेहरा ईश्वर प्रदत्त लड़की जैसा है। दिन ब दिन प्रीतम का शरीर और चेहरा लड़कियों जैसा होता जा रहा है। क्या लड़कियों का मेकअप और लड़कियों के कपड़े पहनने वाले लड़के सच में लड़कियों जैसे बन जाते हैं? क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मेरे कुल है, कंधे और आवाज महिलाओं जैसी हो गई हैं। इसलिए मैं क्रॉसड्रेसर दर्शकों से पूछ रहा हूँ, क्या सचमुच कोई लड़का लड़की बनकर भविष्य में लड़की जैसा बन जाता है? प्रीतम बंगाली दुल्हन की तरह तैयार हुए हैं। देखिए, प्रीतम बिल्कुल बंगाली दुल्हन की तरह लग रही हैं। इस लाल साड़ी ब्लाउज में प्रीतम बेहद खूबसूरत शादीशुदा महिला लग रही हैं। वाह, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप प्रीतम के लड़के से लड़की बनने के और भी वीडियो देखना चाहते हैं, आप प्रीतम के इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं। आपको प्रीतम के मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन की जानकारी कैसी लगी? और हमने जो कहा वो ये कि अगर किसी लड़के को फेमस होना है तो उसे लड़की बनना होगा। आपकी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, और जो नए हैं उन्हें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।
ताकि हमारे सभी वीडियो के माध्यम से आप क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और क्रॉस ड्रेसिंग वीडियो देखने का आनंद उठा सकें। तो ठीक है दर्शकों, हम जल्द ही आपके लिए अगला वीडियो लाएंगे। बाय बाय। Thanks for watching. If you want more videos and information like this, please subscribe our channel.